are in one of the sexiest city of Belgium, Dinant. Well, sexiest इसलिए because Saks का invention यहीं पे हुआ था by Mr. Adolf Saks. It's a very beautiful city in the southern part of Belgium, in Namur province. So let's explore this city today. Come on. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसे ला सीतादेल कहते हैं. इसे यहाँ के किंग ने 1040 में बिल्ड किया था टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये यहाँ की सबसे पॉपुलर और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस में से एक है. अगर आप दिनांत आ रहे हैं तो इसे ज़रूर देखिए, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. सो वंस यू एंटर इन द फोर्ट आपको राइट हैंड साइड पे डंजन्स दिखेंगे. देखने में तो काफी डरावने थे ये डंजन्स. सो उसके बाद हम लोग पहुंचे यहाँ के पनिशमेंट रूम पे. एंड इसके बाद आता है यहाँ का मेमोरियल वॉर गैलरी. सो इस गैलरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो दिनांत का बैटल हुआ था 15 अगस्त 1914 बिटवीन जर्मन्स वर्सेस फ्रेंच ब्रिटिश आर्मी, उसके रिलेटेड सब टाइमलाइन एंड पिक्चर्स हैं. सो इसके बाद हम लोग गए वर्ल्ड वॉर म्यूजियम में, जहाँ पे वॉर रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं. सो अभी ये जो सिटाडेल का स्ट्रक्चर है वो रीबिल्ट हुआ था 1821 में, बट जब यहाँ पे 1914 में बैटल ऑफ दिनांत हुआ था तो फोर्ट का काफी सारा नुकसान हुआ था. सो ड्यूरिंग वॉर फोर्ट पे सोल्जर्स रहा करते थे एंड डिफरेंट शिफ्ट्स में वो गार्ड करते थे. सो उन सोल्जर्स के लिए यहाँ पे फुल फ्लेज किचन एंड पैंट्री हुआ करती थी. और ये उन सोल्जर्स का स्लीपिंग अरेंजमेंट. उसके बाद हम लोग गए वेपन रूम में, जहाँ पे उस वॉर में जो वेपन्स यूज किए गए थे वो रखे गए हैं. सो कुछ वेपन्स यहाँ पे काफी पुराने हैं 18 सेंचुरी के, एंड इनकी काफी अच्छी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है विथ एमिनेशन. सो अगर आपको गन्स पसंद है तो आपके लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है.
सो उसके बाद हम लोग गए पैनारोमिक व्यू पॉइंट पे। सो ये व्यू काफ़ी ब्रेथ टेकिंग एंड स्पेक्टेकुलर है एंड दिनान सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है हमें। सो इसकी हाइट अराउंड 100 मीटर्स है। Now it's time for ferry ride. हमारी फेरी की टिकट सितादल के टिकट में ही इंक्लूडेड थी, विच कॉस्टेड अस अराउंड 17 यूरोस, जिसमें आया सितादल का एंट्री टिकट, केबल कार और फेरी की राइड। सो अगर आप बेबी प्रैम कैरी कर रहे हो तो आपको वो एंट्रेंस पे ही छोड़ना होगा। This ferry ride is highly recommended, especially in the evenings, because it gives a completely different view of the city altogether. ये ferry ride last आपको मिलेगी 5 pm को। Finally, she is awake and it's her first ferry ride and it seems that she's enjoying it. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre visite. This 1 hour ferry ride was very refreshing and I think one of the best things that we did today. यूरोप की बाकी मेजर सिटीज की तरह इस सिटी को भी डिवाइड किया है दो पार्ट्स में रिवर म्यूज ने, और इन दोनों पार्ट्स को मिलाया है चार्ल्स द गोल ब्रिज ने, जो राइट हियर मेरे पीछे है। इस ब्रिज पे आपको हर जगह पे सैक्सोफोन्स दिखेंगे, क्योंकि सैक्सोफोन का इन्वेंशन यहीं पे हुआ था। ये मैं तीसरी बार बोल रही हूँ। एनीवे, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए। एक तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है नोट्रे डेम चर्च, उसके ऊपर आपको दिखेगा सितादेल, और यहाँ पे है सैक्स म्यूजियम एंड केव्स है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिटी ही बहुत ब्यूटीफुल है। पूरी सिटी बाय वॉक आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ आने के लिए आपको ब्रसल्स से 1 आवर की ड्राइव है और एंटवर्प से 2 आवर्स की ड्राइव, और यहाँ पे ट्रेन्स भी आते हैं, लेकिन ट्रेन की जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग कट है, 3 आवर्स लगते हैं अप्रॉक्स। सो आफ्टर फेरी राइड हम लोग सिटी में दिनान का एक वर्ल्ड फेमस स्वीट ढूंढ रहे थे, बट आफ्टर 6 PM सभी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, बट फॉर्चुनेटली हमें एक शॉप ओपन मिली। उस स्वीट को कहते हैं कुकी दे दिनांत। एक हार्ड बिस्किट होता है जो वीट, हनी एंड शुगर से बनता है, और इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है। So this was our trip in Dinant. If you liked it, please give us a big fat thumbs up and share with your friends and provide your opinion in comment section. Also follow us on Instagram. All right, bye. Thank you.